नमस्कार दोस्तों, तो फिर से स्वागत है आप सभी का टेकचिव यूट्यूब चैनल के एक नए एपिसोड में, और मैं हूं आपका होस्ट अनिल। यदि आप लिनक्स, यूनिक्स ओएस या एंड्रॉयड पर टर्मक्स का यूज़ करते हैं तो यहां पर कमांड लाइन यानी टर्मिनल का काफ़ी यूज़ होता है, और ज़्यादातर पेन टेस्टिंग टूल भी CLI बेस्ड होते हैं। ये आपने अक्सर मेरे वीडियोज़ में देखा होगा, पर कई लोगों को कमांड लाइन इंटरफेस पसंद नहीं आता। उन्हें ज़्यादा टाइप करना, बड़े बड़े कमांड्स को लगाना, उन कमांड्स को बार बार टाइप करना बोरिंग लगता है, खास तौर पर टर्मक्स पर, क्योंकि वहाँ पर वर्चुअल कीबोर्ड मिलता है जिस पर टाइप करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको लिनक्स यूनिक्स टर्मिनल की कुछ ऐसी बेसिक ट्रिक्स के बारे में बताऊँगा जिसकी मदद से आप टर्मिनल पर स्पीडली वर्क कर सकते हैं, बड़े बड़े कमांड्स, उनके आर्गूमेंट्स या फाइल को आसानी से और तेज़ी से टाइप कर सकते हैं, और कैसे टर्मिनल को प्रोफेशनली यूज़ किया जा सकता है। तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके प्रोत्साहित जरूर कीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको लिनक्स टर्मिनल और टर्मक्स दोनों पर ही ये ट्रिक्स बताऊँगा। अभी मैंने यहाँ पर टर्मिनल को ओपन कर लिया है, और अभी मैं रूट यूजर से लॉग इन हूँ, तो मैं यहाँ पर नॉर्मल यूज़र में स्विच कर लेता हूँ, क्योंकि अभी ज़्यादातर लिनक्स के अंदर नॉर्मल यूज़र ही डिफ़ॉल्ट में आता है। अभी यहाँ पर मैंने इसको नॉर्मल यूज़र में स्विच कर लिया है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी हैं ये ट्रिक्स जिनकी मदद से हम टर्मिनल पर स्पीडली वर्क कर सकते हैं। तो पहला है टैब का यूज़ करना। आप में से काफ़ी सारे लोग इसके बारे में पहले से ही जानते होंगे, पर जो बिगनर्स हैं, जो कि लिनक्स के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, ये उनके काफ़ी काम आएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैं कोई पैकेज को इंस्टॉल करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैंने कमांड लगाया sudo apt, और यहाँ पर मैंने टाइप किया i। यदि मैं इसके बाद यहाँ पर टैब दबाता हूँ तो यहाँ पर इंस्टॉल ऑटोमेटिक ही टाइप हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर इंस्टॉल टाइप हो चुका है। जैसे कि मुझे यहाँ पर डॉकर इंस्टॉल करना है, तो यहाँ पर मैंने टाइप किया डॉक और टैब दबाया, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर डॉकर ऑटोमेटिक ही टाइप हो चुका है। यदि आप जानना चाहते हैं कि यहाँ पर डॉकर से संबंधित कौन कौन से पैकेजेस को आप इंस्टॉल कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर दो बार टैब दबा दीजिए, तो यहाँ पर इसकी लिस्ट आ जाएगी। ये देखिए यहाँ पर पैकेजेस की लिस्ट आ चुकी है, जो भी डॉकर से स्टार्ट हो रहे हैं आप यहाँ पर इन पैकेजेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ पर डॉकर कंपोज इंस्टॉल करना है, तो आपको यहाँ पर टाइप करना होगा -c। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सी से दो पैकेजेस हैं, एक डॉकर क्लीन और दूसरा डॉकर कंपोज, तो हमें यहाँ पर डॉकर कंपोज के लिए टाइप करना होगा co। उसके बाद टैब प्रेस कर दीजिए, तो यहाँ पर कंपोज ऑटोमेटिक ही टाइप हो जाएगा। अभी आपको यहाँ पर ये थोड़ा स्लो लग रहा होगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर समझा के टाइप कर रहा हूँ। जब भी आपकी आदत में आ जाएगा तो आप इसको तेज़ी से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए यहाँ पर मैंने डॉकर सर्विस को स्टार्ट किया, तो यहाँ पर मैंने बस कुछ ही करेक्टर टाइप किए, बाकी सारे मैंने टैब से ही टाइप किए हैं। आपको टर्मक्स के अंदर भी टैब का बटन मिल जाता है, आप इसकी मदद से कमांड्स को तेज़ी से टाइप कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर मैंने टाइप किया IFC, और यहाँ पर मैंने प्रेस किया टैब, और अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर IFConfig कमांड टाइप हो चुका है। आप इसकी मदद से बड़े बड़े फाइल्स के नाम और पाथ के अंदर तेज़ी से जा सकते हैं। जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी यहाँ पर मैं इस यूज़र के होम फोल्डर में हूँ, और मैं यहाँ पर रूट यूजर के डेस्कटॉप पर TC वर्ड लिस्ट के अंदर जाना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पर टैब के द्वारा इस पाथ पर तेज़ी से जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने टाइप किया CD/, और यहाँ पर मैंने टाइप किया RO। इसके बाद हम यहाँ पर टैब दबाएंगे, तो यहाँ पर रूट टाइप हो जाएगा। अभी मुझे डेस्कटॉप पर जाना है, तो यहाँ पर मैंने टाइप किया D, पर अभी यहाँ पर D से डेस्कटॉप नहीं आया, क्योंकि अभी यहाँ पर D से और भी कई डायरेक्टरीज हैं। इसके लिए आप यहाँ पर एक बार और टैब प्रेस कीजिए, तो उनकी लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। ये देखिए यहाँ पर D से डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट और डाउनलोड्स फोल्डर्स भी हैं। तो आपको यहाँ पर जिस भी डायरेक्टरी में जाना है उसके यूनिक करेक्टर आपको यहाँ पर टाइप करने होंगे। जैसे कि मान लीजिए आपको जाना है डॉक्यूमेंट में, तो आपको यहाँ पर टाइप करना होगा DOC, डाउनलोड के लिए DOW, और डेस्कटॉप के लिए आप DE टाइप कर दीजिए और टैब दबा दीजिए। उसके बाद यहाँ पर डेस्कटॉप टाइप हो जाएगा। अभी मुझे जाना है TC वर्ड लिस्ट फोल्डर के अंदर, तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे T। ध्यान रहे लिनक्स केस सेंसिटिव होता है, यहाँ पर स्मॉल और कैपिटल लेटर्स का अलग मतलब होता है। यदि यहाँ पर मैं स्मॉल T टाइप करूँगा तो यहाँ पर टाइप होगा TC वर्ड लिस्ट, और यदि यहाँ पर मैं कैपिटल T टाइप करता हूँ तो यहाँ पर टाइप होगा टेकचिप। तो अभी देखिए यहाँ पर मैं इस फोल्डर में आ चुका हूँ। अभी मान लीजिए मुझे इसमें से ये फाइल ओपन करनी है, तो आपको यहाँ पर इस फाइल का नाम टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको यहाँ पर कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत है। आप यहाँ पर सिंपल से फाइल के यूनिक करेक्टर टाइप करके टैब प्रेस कर दीजिए, ये यहाँ पर ऑटोमेटिक ही टाइप हो जाएगा। ये देखिए ये फाइल यहाँ पर खुल चुकी है। तो इस तरह से आप यहाँ पर कमांड्स, उनके आर्गूमेंट्स, फाइल्स या पाथ को तेज़ी से टाइप कर सकते हैं, जिससे कि आपकी काफ़ी समय की बचत होगी।
तो अभी यहाँ पर मैं इसके बाद आपको टर्मिनल के कुछ शॉर्टकट बताता हूँ जिसकी मदद से आप यहाँ पर और तेज़ी से काम कर पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ पर टर्मिनल को क्लियर करना है, तो आपको यहाँ पर क्लियर कमांड लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर सिंपल से प्रेस कीजिए कंट्रोल प्लस एल, तो यहाँ पर ये क्लियर हो जाएगा। अभी मान लीजिए आपने कोई बड़ा कमांड टाइप किया है और आप उस कमांड के स्टार्टिंग में या लास्ट में जाना चाहते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर शॉर्टकट्स हैं कंट्रोल प्लस ए स्टार्टिंग में जाने के लिए और कंट्रोल प्लस ई एंड में जाने के लिए। ये देखिए आप इसकी मदद से कमांड के लास्ट में और एंड में तेज़ी से जा सकते हैं। आपको यहाँ पर एक एक करके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी मान लीजिए मेरा कर्सर कमांड के बीच में है और आप कर्सर के बाद वाला सारा कमांड हटाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पर प्रेस कीजिए कंट्रोल प्लस के, तो यहाँ पर कर्सर के बाद वाला सारा कमांड हट जाएगा। ये देखिए यहाँ पर कमांड हट चुका है। यदि आप इसको वापस लेके आना चाहते हैं तो यहाँ पर प्रेस कीजिए कंट्रोल प्लस वाई, तो यहाँ पर ये वापस आ जाएगा। और अभी आप इसको किसी भी कमांड के साथ यूज़ कर सकते हैं। जब भी आपको ये टाइप करना हो तो आप कंट्रोल प्लस वाई प्रेस करके इस कमांड को टाइप कर सकते हैं। अब यदि मान लीजिए आपको कर्सर के पहले वाला सारा हटाना है, तो आप यहाँ पर प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल प्लस यू, तो यहाँ पर जो कर्सर के पहले वाला है वो सारा कमांड हट जाएगा। और आप यहाँ पर कोई दूसरा कमांड लगाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। और यदि आप उसी कमांड को वापस लेके आना चाहते हैं तो आप यहाँ पर प्रेस कर दीजिए कंट्रोल प्लस वाई, तो यहाँ पर वो कमांड वापस आ जाएगा। यदि आप यहाँ पर कमांड को वर्ड बाई वर्ड मिटाना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर प्रेस कीजिए कंट्रोल प्लस डब्लू, तो यहाँ पर कमांड के एक एक शब्द डिलीट होते रहेंगे। ये देखिए यहाँ पर अभी कमांड शब्द के हिसाब से डिलीट हो रहा है। यदि आप इसको वापस लाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कंट्रोल प्लस वाई प्रेस करके इस कमांड को वापस लेके आ सकते हैं। यदि आप कर्सर के राइट वाले कमांड को करेक्टर बाई करेक्टर डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर प्रेस कीजिए कंट्रोल प्लस डी, तो यहाँ पर एक एक करेक्टर को डिलीट करता रहेगा। अभी आप सोच रहे होंगे इसको तो हम बैक स्पेस या डिलीट से भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, पर आप उसको वापस नहीं लेके आ सकते, वो आपको दोबारा ही टाइप करना होगा। पर आप इनको यहाँ पर शॉर्टकट्स के द्वारा हटाते हैं तो आप कंट्रोल प्लस वाई की मदद से इस कमांड को वापस से टाइप कर सकते हैं। और आप इस कमांड को यहीं नहीं बाद में भी या किसी दूसरे कमांड के साथ भी टाइप कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी यूज़फुल है टर्मिनल पर तेज़ी से काम करने के लिए। ये आपके टर्मक्स पर काफ़ी यूज़ आ सकता है, क्योंकि टर्मक्स के नॉर्मल कीबोर्ड के अंदर आपको लेफ्ट राइट एरो कीज़ नहीं मिलती, तो आप यहाँ पर इन शॉर्टकट्स का यूज़ कर सकते हैं। आप इसको आसानी से क्लियर कर सकते हैं, या कमांड के स्टार्टिंग में जा सकते हैं, या कमांड के लास्ट में जा सकते हैं, कमांड को तेज़ी से डिलीट कर सकते हैं, या उस कमांड को वापस टाइप करना हो तो आप कंट्रोल प्लस वाई की मदद से इस कमांड को वापस टाइप कर सकते हैं। तो ये शॉर्टकट्स टर्मक्स पर आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए अभी हम आगे की और यूजफुल ट्रिक्स देखते हैं। अभी हम देखेंगे कि हम यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क के द्वारा कैसे कमांड्स को तेज़ी से टाइप कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक कमांड लगाया डॉकर इमेज एलएस। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर यह कमांड एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, यहाँ पर परमिशन डिनाइडेड का एरर आ चुका है, क्योंकि हम यहाँ पर नॉर्मल यूजर से लॉग इन है और इस कमांड को रन कराने के लिए हमें यहाँ पर सुपर यूजर की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको यहाँ पर ऐसे कमांड को वापस से लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर सिंपल से टाइप कीजिए sudo bang bang और एंटर प्रेस कर दीजिए, तो आपने यहाँ पर जो भी प्रीवियस कमांड लगाई है वो यहाँ पर sudo के साथ रन हो जाएगी। ये देखिए अभी ये कमांड सुपर यूजर के द्वारा रन हो चुकी है। तो आप इस तरह से यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क का कमांड्स को तेज़ी से टाइप करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और आप ज़रूरी नहीं कि आप इसको sudo के साथ ही यूज़ करें, आप इसको नॉर्मली भी यूज़ कर सकते हैं। यदि आपको प्रीवियस कमांड वापस से टाइप करना है तो आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए बैंग बैंग, तो आपको यहाँ पर प्रीवियस कमांड वापस से रन हो जाएगी। पर अभी आप यहाँ पर बोलेंगे वो तो हम यहाँ पर अप डाउन एरो की से भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, पर मान लीजिए आपको वो प्रीवियस कमांड किसी दूसरे कमांड के साथ रन करानी है, तब आपके ये काफ़ी यूज़ में आएगा। आपको उस कमांड को वापस से टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर सिंपल से बैंग बैंग टाइप कर दीजिए, तो वहाँ पर आपकी प्रीवियस कमांड किसी दूसरे कमांड के साथ रन हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक कमांड sudo के साथ रन की है। यदि आप इस कमांड को नॉर्मली रन कराना चाहते हैं, आप यहाँ पर sudo का प्रयोग नहीं करना चाहते, तो आपको यहाँ पर कमांड को वापस से लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर सिंपल से टाइप कीजिए बैंग स्टार, तो यहाँ पर आपकी प्रीवियस कमांड को रन करा देगा पहले वर्ड को छोड़कर। ये देखिए अभी यहाँ पर ये कमांड विदाउट sudo के रन हो चुकी है। तो इस तरह से आप यहाँ पर कमांड के पहले वर्ड को हटाकर उस कमांड को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। यदि मान लीजिए आपको कमांड को एग्जीक्यूट नहीं कराना, केवल आपको प्रिंट ही कराना है, तो आप यहाँ पर कमांड को केवल प्रिंट भी करा सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर टाइप करना होगा कॉलन पी, जैसे कि यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया बैंग बैंग कॉलन पी, तो यहाँ पर हमारी प्रीवियस कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगी, वो यहाँ पर केवल प्रिंट होगी। ये देखिए
यहाँ पर कमांड प्रिंट हो चुकी है और आप इसको किसी भी मेथड के साथ यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने टाइप किया बैंग स्टार कॉलन पी, तो यहाँ पर प्रीवियस कमांड में से पहला शब्द हट जाएगा और बाकी कमांड यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये प्रिंट हो चुका है। मैं आपको यहाँ पर ये एग्जांपल छोटे छोटे कमांड से बता रहा हूँ ताकि आप इसको सही तरह से समझ पाएँ। वैसे ये बड़े बड़े कमांड्स के लिए काफ़ी यूज़फुल हैं। मैं आपको इसके और एग्जांपल बताता हूँ। अभी मान लीजिए मैंने कोई पहले कमांड लगाई हुई है पर आप उसके बाद और कई सारे कमांड लगा चुके हैं। यदि आप उस कमांड को वापस लगाना चाहते हैं तो आपको उस कमांड को वापस से टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर सिंपल से टाइप कीजिए बैंग, इसके बाद हमने टाइप किया एम के। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो भी प्रीवियस में कमांड लगाई हैं उनमें से कोई भी कमांड जो एम के से स्टार्ट होती है वो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो अभी हमने यहाँ पर एम के डी आई आर कमांड लगाया था और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कमांड यहाँ पर एग्जीक्यूट हो चुका है। आपको यहाँ पर कमांड्स को एक एक करके सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर किसी भी कमांड को सर्च करके वहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं। और अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कमांड एग्जीक्यूट हो चुकी है पर अभी इसमें परमिशन डिनाइड एरर आ चुका है क्योंकि हम यहाँ पर ये डायरेक्टरी रूट यूजर के अंदर बना रहे हैं, तो इसके लिए हमें यहाँ पर रूट की परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप यहाँ पर सिंपल से कमांड लगा सकते हैं sudo bang bang, और अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कमांड यहाँ पर रन हो चुकी है। तो इस तरह से आप यहाँ पर अपनी प्रीवियस कमांड को सर्च करके यहाँ पर एग्जीक्यूट करा सकते हैं। उनको आपको एक एक करके सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको यहाँ पर जो भी कमांड रन करानी है आप उसके यहाँ पर एक दो करेक्टर टाइप कर दीजिए, वो कमांड यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगी। यदि मान लीजिए आप यहाँ पर पूरे कमांड में से कुछ फाइंड करके उसको रन कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पर कमांड्स के पहले करेक्टर ही टाइप करें। इसके लिए आपको यहाँ पर टाइप करना होगा बैंग क्वेश्चन मार्क और आप यहाँ पर जो भी सर्च करना चाहते हैं वो करेक्टर यहाँ पर टाइप कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पर मैंने टाइप किया एच ओ, तो यहाँ पर ये मेरी प्रीवियस कमांड में सर्च करेगा और यहाँ पर भी एच ओ आ रहा होगा, उस कमांड को यहाँ पर एग्जीक्यूट करा देगा। ये देखिए यहाँ पर ये कमांड एग्जीक्यूट हो चुकी है और अभी हम यहाँ पर अनिल यूजर के डेस्कटॉप फोल्डर में आ चुके हैं, जबकि ये मैंने कमांड काफ़ी पहले लगाई थी। तो आप इस तरह से यहाँ पर कमांड को सर्च करके भी रन करा सकते हैं। तो ये भी यहाँ पर कमांड्स को वापस से रन कराने का काफ़ी बढ़िया तरीका है। आपको यहाँ पर पूरी कमांड्स को टाइप नहीं करना होगा और ना ही आपको उनको एक एक करके सर्च करना होगा। ये आपके टर्मक्स पर काफ़ी यूजफुल रहेगा। अभी मैं आपको और एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे कि देखिए यहाँ पर मैंने एक कमांड लगाया। अभी मान लीजिए मुझे अपनी प्रीवियस कमांड का कोई भी आर्गूमेंट टाइप करना है, तो आप यहाँ पर टाइप कीजिए बैंग बैंग यानी प्रीवियस कमांड कॉलन, और आप कौन सा पैरामीटर टाइप करना चाहते हैं वो नंबर टाइप कर दीजिए। यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया 2, तो यहाँ पर ये मेरी कमांड पिछले कमांड के दूसरे पैरामीटर के साथ रन हो जाएगी। ये देखिए ये कमांड यहाँ पर रन हो चुकी है और हम इस फोल्डर में आ चुके हैं। अभी आप सोच रहे होंगे इसको तो हम टैब के द्वारा भी आसानी से कर सकते थे, तो बिल्कुल मैं आपको यहाँ पर केवल एग्जाम्पल बता रहा हूँ, पर जो रियल में कमांड्स लगती हैं वहाँ आपको बड़े बड़े URLs, बड़े बड़े पैरामीटर्स देने पड़ते हैं जिनको कि आप टैप से टाइप नहीं कर सकते। या तो उनको आपको कॉपी करना होगा तब आप उनको पेस्ट कर पाएंगे, पर आप इसकी मदद से उन पैरामीटर्स को आसानी से टाइप कर सकते हैं। तो है ना ये कमाल की ट्रिक्स कमांड्स को तेज़ी से टाइप करने के लिए। रुकिए मैं आपको और ट्रिक्स बताता हूँ जो आपकी काफ़ी हेल्प करेंगी। जैसे कि देखिए यहाँ पर मैंने ये कमांड लगाया है, यहाँ पर मैंने कुछ फाइल्स क्रिएट की हैं। अभी पिछली ट्रिक्स में तो हमने देखा था कि आप प्रीवियस कमांड में से कोई भी आर्गुमेंट्स को टाइप कर सकते हैं। हमें प्रीवियस में से नहीं, जो हमने काफ़ी पहले कमांड लगाई है उसमें से हमें कोई आर्गुमेंट लेना हो तो हम उसको कैसे लेंगे। तो सिंपल से हम यहाँ पर उस कमांड को सर्च करेंगे। यहाँ पर मैंने टाइप किया बैंग और यहाँ पर मैंने सर्च किया टी ओ, यानी मैं ऐसी कमांड को यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ जो कि टी ओ से स्टार्ट है और उस कमांड का आर्गुमेंट नंबर 3 यहाँ पर टाइप होना चाहिए। ये देखिए ये फाइल यहाँ पर ओपन हो चुकी है। तो आप यहाँ पर बड़े बड़े कमांड्स में से किसी भी पैरामीटर को आप यहाँ पर तेज़ी से टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको छोटे छोटे एग्जांपल बता रहा हूँ, पर यदि आप यहाँ पर बड़े बड़े कमांड्स यूज़ करते हैं तो ये काफ़ी यूज़फुल होता है और ये काफ़ी तेज़ी से काम करता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर मैंने एक कमांड लगाया। यदि आप यहाँ पर प्रीवियस कमांड का लास्ट आर्गूमेंट यहाँ पर टाइप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर टाइप कीजिए बैंक डॉलर। तो आपने यहाँ पर जो भी प्रीवियस कमांड लगाई है उसका यहाँ पर जो लास्ट पैरामीटर है वो यहाँ पर टाइप हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर अभी हमारे प्रीवियस कमांड का लास्ट आर्गुमेंट यहाँ पर टाइप हो चुका है। इसके लिए एक यहाँ पर शॉर्टकट भी है। आप यहाँ पर अपनी प्रीवियस कमांड के लास्ट पैरामीटर को ऑल्ट प्लस डॉट की मदद से भी टाइप कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर शॉर्टकट का भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं आपको यहाँ पर एक लास्ट एग्जाम्पल और बताता हूँ। मान लीजिए आपने यहाँ पर कोई बड़ा कमांड लगाया है और आपको अपने पिछले कमांड में से कोई वर्ड को रिप्लेस करना है, तो आपको यहाँ पर पूरा कमांड वापस से टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर डायरेक्ट ही अपने पिछले कमांड में से किसी भी वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं।
जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैंने टाइप किया कैरेट और यहाँ पर मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ गूगल को, तो यहाँ पर मैंने गूगल टाइप कर दिया। वापस से हम कैरेट टाइप करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पर क्या रिप्लेस करना चाहते हैं वो शब्द आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए। यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया याहू, तो यहाँ पर मेरा पिछला कमांड गूगल से याहू में रिप्लेस हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये कमांड एग्जीक्यूट हो चुका है और यहाँ पर गूगल की जगह याहू हो चुका है। तो आप इस तरह से यहाँ पर अपने पिछले कमांड में से किसी भी शब्द को रिप्लेस कर सकते हैं, आपको उसको दोबारा से टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी बड़े बड़े कमांड्स को तेज़ी से टाइप करने की एक बढ़िया टेक्निक है। यदि आप इन ट्रिक्स को डेली इस्तेमाल करेंगे तो मेरी गारंटी है आप टर्मिनल पर बड़ी तेज़ी से काम कर सकते हैं। तो बताइए दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप इस तरह की वीडियो और भी आगे देखना चाहते हैं। यदि मुझे इस वीडियो पर सही रिस्पॉन्स मिला तो मैं आने वाले टाइम में और भी इससे ज़्यादा यूजफुल ट्रिक्स आपको बताऊंगा जो कि आपकी काफ़ी हेल्प करेंगी। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा ताकि यहाँ पर मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और वो वीडियो मिस ना हो पाए। तो अभी के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, जल्दी ही मुलाकात होगी नई वीडियो के अंदर। वीडियो को याद रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।